भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था कुछ इस तरह से गढ़ी गई है जहां जनता ही जनता के ऊपर शासन कर सके। हालांकि ऐसे बहुत कम ही राजनेता हैं जो लोकतंत्र की इस परिपाटी को बरकरार रखे हुए हैं। उनमें से एक हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, एक ऐसा राजनेता जिसने ये जता दिया कि जनता की सरकार किसे कहते हैं, जिसके हर कदम ऐसे निशान छोड़ रहे हैं जिन पर चलना भी औरों के लिए आसान नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का जनदर्शन अभियान भी उनकी कुछ ऐसी ही कार्यशैली का द्योतक है जो उन्हें अपने जैसों में सबसे अलग साबित कर देती है। इस बीच मुख्यमंत्री न सिर्फ जनता के बीच जा रहे हैं बल्कि उनकी समस्याएं भी सुन रहे हैं, मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। और तो और, जन सेवा में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर भी शिवराज का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जब सीएमओ था और कोई अभिषेक राजपूत उपमंत्री भाई ये बता रहे हैं लोग मुझे, सही है क्या? ये तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है, जहां भी हो। अभी आदेश तो कर लोगे और इसकी जांच होगी, और केवल सस्पेंड नहीं, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच देके जिसने पैसा खाए हैं जेल भिजवाऊंगा, मानूंगा नहीं। वैसे तो ये काम अमूमन हर राजनेता का होता है, लेकिन खुद के बीच शिवराज सिंह को पाकर जनता भी हैरान है कि आखिर ये कैसा मुख्यमंत्री है जो उसकी सुध लेने उसके बीच आ रहा है, बिना कोई दूरी बनाए उनसे पूछ रहा है कि बताओ कोई समस्या तो नहीं है, अगर होगी तो मैं उसे सुलझाऊंगा। लेकिन यह सरकार की योजना है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, नाम की सूची बना लेना, सही जोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करना। मुख्यमंत्री का यूं जनता के बीच जाना महज तंत्र की मजबूती का रास्ता ही प्रशस्त नहीं करता, बल्कि ये तस्वीर लोकतंत्र से उस भावना को और प्रबल कर रही है जिसके तहत सत्ता को जनता का सेवक माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।